दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि कोई सर्वे अगर होता है, जैसा बिहार में हो रहा है, तो ऐसे सर्वे में आपके पास अगर कोई कागज नहीं है तब आप कैसा बिहेव करें और किस तरह से आप अपने सर्वे में कोई परेशानी ना उत्पन्न हो, अपने खेत की, जिस खेत को आप जोते हुए हैं उसकी कैसे जानकारी करें, क्या उसका नंबर है, कौन उसका मालिक था, या ऐसा तो नहीं कि आप किसी दूसरे की जमीन को जोते हुए हैं। चकबंदी के दौरान या सर्वे के दौरान जिस व्यक्ति के नाम वो जमीन है उसी व्यक्ति, ऐसी स्थिति में तो दोनों लोगों को नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि आपको भी ना मिले और जिस व्यक्ति की वो जमीन है उसको भी ना मिले, चूंकि उसका कब्जा नहीं है। क्योंकि कब्जा जो है वो स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष होता है। तो दोस्तों जब भी ऐसा कोई सर्वे हो रहा है या चकबंदी हो रही है तो उस समय आप सबसे पहले एक रजिस्टर होता है जिस रजिस्टर को खतौनी कहते हैं या आधार वर्ष खतौनी कहते हैं, या उससे पूर्व में जो भी बंदोबस्त हुए हों उनका रजिस्टर आपको रिकॉर्ड रूम माने मुआफिस खाना या जिसको कहते हैं राजस्व अभिलेखागार में मिलेगा, या चकबंदी के जो भी अलग से न्यायालय अभिलेखागार बनाए गए हैं, अभिलेखागार में ही पार्ट होता है चकबंदी का, उसमें मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा दस्तावेज देखने के लिए, ऐसा रजिस्टर देखने के लिए जब तक आप वहां नहीं जाएंगे आपको कोई नहीं बताएगा। आप अपने जिले के या ऐसे कटक के, कभी कभी क्या होता है चकबंदी जिस क्षेत्र में होनी है या सर्वे जिस एरिया का हो रहा है उस एरिया के दो तीन पार्ट को मिला करके, जैसे मान लीजिए किसी तहसील में पांच गांवों में चकबंदी हो रही है तो उन पांचों गांवों के लिए उसी तहसील में एक कमरा अलाट किया जा सकता है और वहां पर एक रिकॉर्ड रूम बना दिया जाएगा। माने चकबंदी से संबंधित या सर्वे से संबंधित जो भी संक्रियाएं हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं वहीं से संचालित होंगी। इसके अलग लेखपाल होते हैं, अलग कानूनगो होते हैं, पूरी व्यवस्था ही अलग होती है। तो दोस्तों जब भी आपके क्षेत्र में कोई ऐसा सर्वे हो रहा हो और आपके पास कोई दस्तावेज ना हो तो आप उसके लिए सबसे पहले या तो अपने नाम के आधार पर, या अगर आपको अपना खसरा नंबर या जिसको गाटा नंबर कहते हैं उसकी जानकारी हो गई है, वो मालूम है कि गाटा नंबर फला फला हमारा है, सो एंड सो गाटा हमारा है, तो उस गाटे के आधार पर चकबंदी के दौरान या सर्वे के दौरान एक डाटा तैयार किया जाता है। उस डाटा को, वैसे डाटा तो बहुत तैयार होते हैं, कई रजिस्टर बनते हैं चकबंदी में, लेकिन एक मुख्य रजिस्टर होता है आकार पत्र 23 और आकार पत्र 23 भाग 1, और एक और रजिस्टर होता है आकार पत्र 8, आकार पत्र 26, आकार पत्र 6 और आकार पत्र 11, आकार पत्र 18, कई आकार पत्र होते हैं कई, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं अलग अलग तरीके से। तो अभी अगर कोई सर्वे हो रहा है तो उस सर्वे में आप अपना कैसे योगदान दें, कहीं ऐसा ना हो कि जिस जमीन को आप जोत रहे हैं वो जमीन आपके हाथ से ही निकल जाए, या किसी व्यक्ति की जिसके नाम दर्ज है और उसका कब्जा नहीं है। क्योंकि तो ये सर्वे वाले अधिकारी क्या करते हैं कि उस पूरे कटक का, उसको एक कटक बोलते हैं, कटक माने वो एरिया जो 3 4 5 10 20 50 जो भी गांव है उनको मिलाकर के वो लैंड तैयार हुई, सबसे पहले उसका पूरा क्षेत्रफल नाप लिया जाता है। पूरा क्षेत्रफल नापने के बाद उसका जो पुराना बंदोबस्त था, माने पुराने समय में जो भी अंग्रेजों ने कोई सेटलमेंट किया था, सर्वे किया था, उसमें जितनी जमीन उस एरिया में आवंटित थी या उस एरिया की थी, उसके किसानों के नाम या जोतदार जिनको कहते हैं भूमिधर, या और भी आबादी हैं, पेड़ हैं, कुआं हैं, तालाब हैं, जो भी सड़कें हैं, जो भी टोटल लैंड का एरिया था उसको नाप करके लिखते हैं। दोस्तों कभी कभी ये भी कम हो जाती है, ये कम ज्यादा ऐसे हो जाती है कि किसी सरहद में कोई नदी है, उस नदी ने धारा थोड़ी सी बदल दी, उसने काट दिया 200 मीटर एरिया, इधर से घूम के चली गई, तो वो कम हो जाता है, कभी कभी वो पार्ट बढ़ जाता है।
तो बढ़ा हुआ पार्ट का वो अलग सेटलमेंट करते हैं, वैसे तो फिर वो बेच ही लेते हैं एक प्रकार से कहिए, क्योंकि उसका खाता बांध देते हैं, जिसके नाम खाता बन गया उसी की वो लैंड हो गई। तो दोस्तों होता यह है कि उस पूरी जमीन को सबसे पहले नाप लिया जाता है, नापने के बाद एक रजिस्टर तैयार होता है आकार पत्र 18, उस आकार पत्र 18 में वो नंबरान दर्ज किए जाते हैं, वो खसरे दर्ज किए जाते हैं, वो गाटा संख्याएं दर्ज की जाती हैं जिनकी चकबंदी नहीं होनी है। ये बात YouTube पर कोई नहीं आपको बताएगा, तो आप चाहें जैसे जो आबादी लैंड है उसकी चकबंदी नहीं होती है, जो टीले हैं, मीनारे हैं और जो तालाब हैं इनकी चकबंदी नहीं, इन्हें चकबंदी से बाहर रखा जाता है। गड्ढा है या ऊंचा है, एग्रीकल्चरल लैंड है लगभग उसी की चकबंदी होती है। तो उन नंबरानों को CH-18 में, CH-18 में दर्ज किया जाता है। इसके बाद क्या है कि एक CH-11 तैयार होता है, जैसे कई लोगों की मिलजुमला भूमि है, सम्मिलित भूमि है, तो उस सम्मिलित भूमि में जो जिनके अंश हैं निर्धारित होने हैं, उन अंशों का निर्धारण माने बंटवारा ये भी चकबंदी अधिकारी करते हैं, और इसके लिए CH-11 जारी होता है। उस CH-11 में उससे आपत्तियां मांगी जाती हैं, उस व्यक्ति से उनकी माल गुजारी अलग लिखी जाती है, उनके गाटा नंबर अलग बन जाते हैं और उनकी खतौनी अलग से हो जाती है, तो उसका विवरण CH-11 में दिया होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे आपको पता चले कि ये जमीन हमारी है या हमारे नाम है, तो आप अपने जिले के उस रिकॉर्ड रूम में जाएं जहां पर बैनामे और राजस्व न्यायालय की पत्रावलियां ये सब दाखिल दफ्तर होते हैं, माने राजस्व अभिलेखागार, राजस्व अभिलेखागार जाकर के आप वहां पर किसी एक ऐसे व्यक्ति को साथ में ले जाएं। मैं ये राय इसलिए दे रहा हूं कि स्वयं न करके किसी से करा लें, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना कोई काम बिगाड़ लें। तो आप वहां जाकर के उस रजिस्टर का सर्वे कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उस रजिस्टर में दो तीन तरीके से लैंड लिखी गई होती है, एक तो खाता नंबर वाइज, गाटा नंबर वाइज, और तीसरी नेम वाइज। नेम वाइज का मतलब है जैसे मान लीजिए आपके पिताजी का नाम है रामेश्वर दयाल, तो आप रा अल्फाबेट में जाकर के रामेश्वर दयाल का नाम खोजिए, उसमें रा नाम से जितने भी उस गांव में लोग हैं उनके सबके नाम लिखे होंगे जिनका शुरुआती नाम रा है, तो उससे आप देख सकते हैं। खसरा अलग होता है, उसकी खतौनी अलग होती है, तो पहले खसरा नंबर मालूम होगा, उससे उसकी खाता खतौनी संख्या मालूम हो जाएगी और उसी नंबर पर नाम आ जाएगा। तो दोस्तों आप अपना पहले यही देख लें कि हमारे पास कुल कितनी जमीन है, सर्वे होते समय आप अपनी सभी जमीन का दावा करें, वहां से आप उनकी प्रमाणित प्रतियां निकलवा सकते हैं। साधारण एक नकल सवाल दिया जाएगा, आपको उसकी प्रमाणित कॉपी मिल जाएगी, यही आपकी जमीन के कागज हो गए, और रहे बचे कागज वहां के जब चकबंदी होगी तब आपके बन जाएंगे। तो आपको अगर सर्वे हो रहा है कोई परेशानी नहीं है, आप इतने डॉक्यूमेंट के साथ वहां जाएं, आपका काम बिल्कुल बेधड़क होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।